बताओ यार, वन प्लस ब्रांड है फिर भी हमें दो दो मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ कैमरा चिपका रहे हैं, ये हाल है यार इनके। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे वन प्लस नोट सी ई थ्री स्मार्टफोन को वन प्लस नोट सी ई थ्री लाइट स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि नोट सी ई थ्री के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ सी ई थ्री लाइट के अंदर हमें 6.72 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वैसे तो दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, लेकिन दोस्तों अगर आपको एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली नोट सी थ्री की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें फ्लूइड एमोलेड पैनल मिल रहा है भाई, अच्छी बात है, मजेदार कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आते हैं जो कि ऑक्सीजन ओएस 13.1 पर बेस्ड है, यानी कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम और यूआई दोनों मामलों में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। चिपसेट की अगर हम बात करें तो नोट सी थ्री के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 782G5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ सी थ्री लाइट के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 695G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वैसे तो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया हैं, लेकिन अगर आपको एकदम बढ़िया वाली गेमिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली नोट सी थ्री की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 782G वाला चिपसेट दिया गया है। भाई सही में काफी ज्यादा बढ़िया चिपसेट है, काफी बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे नोट सी थ्री की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जिसमें हमें सोनी IMX890 सेंसर दिया गया, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ सी थ्री लाइट का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का जिसमें हमें सैमसंग HM6 सेंसर दिया गया, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का और जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों जो सी थ्री लाइट का मेन कैमरा ना 108 मेगापिक्सल का, वो तो आपकी बढ़िया फोटोज और वीडियोज आपकी क्लिक कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यार ये जो बाकी के 2 मेगापिक्सल का मैक्रो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा ना भाई, सिर्फ और सिर्फ यूजलेस कैमरा, इनका कोई फायदा नहीं है। यानी कि दोस्तों अगर आपको बढ़िया कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली नोट सी थ्री की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का जिसमें हमें सोनी IMX890 सेंसर दिया गया, भाई काफी ज्यादा बढ़िया सेंसर और काफी बढ़िया वाली फोटोज और वीडियोज आपकी क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही दोस्तों अगर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा भी चाहिए ना भाई, तब भी आप यहाँ पर डेफिनेटली नोट सी थ्री की तरफ ही जरूर से जाइए, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप नोट सी थ्री के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ CE3 लाइट के बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। भाई ज्यादा मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी चाहिए ना, तब भी आप डेफिनेटली नोट CE3 की तरफ ही जरूर से जाइए। और वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो नोट CE3 यहां पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ CE3 लाइट्स यहां पर सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर आपको बढ़िया स्टेबल वीडियो बनानी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली नोट CE3 की तरफ ही जरूर से जाइए। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भाई सेल्फी लवर के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं जिसमें कि नोट CE3 यहां पर 80W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ CE3 लाइट यहां पर 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर आपको ज्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए भाई, तो नोट CE3 की तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, और दोस्तों सिक्योरिटी के लिए हमें नोट CE3 के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ CE3 लाइट के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि नोट CE3 स्मार्टफोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की अप्रोक्स प्राइसिंग है 27,000 रुपए,
वहीं दूसरी तरफ CE3 लाइट स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 20,000 रुपए। और दोस्तों जो प्राइसिंग है ना भाई वो ऑफर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपका बजट है भाई 20,000 रुपए तक का और उसमें अगर आपको वन प्लस की ब्रांड वैल्यू के हिसाब से बढ़िया वाला स्मार्टफोन चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली CE3 लाइट की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो भाई 27-28,000 रुपए, तब आपको डेफिनेटली यहाँ पर नोट CE3 की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि यार ये जो फोन है ना भाई अपने प्राइस पॉइंट को काफी ज्यादा जस्टिफाई कर रहा है और बहुत ज्यादा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ में आ रहा है भाई। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। खत्म।